बांदा केंद्रीय पूजा महोत्सव समिति ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन नवदुर्गा और विसर्जन से संबंधित समस्याओं के संबंध में था। पंडालों में चौराहों में महिला पुलिस और पुलिस का सचल दल तैनात किया जाए। पूरे नवरात्रि पर्व में विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाए। जल व्यवस्था सुचारू रूप से हो। आवारा जानवरों का प्रवेश वर्जित हो। भारी वाहनों का प्रवेश समय सीमा में हो। शहर के प्रमुख मार्ग और विसर्जन जुलूस वाले मार्गों को गड्ढा मुक्त कराया जाए एवं अतिक्रमण अलग कराया जाए। विसर्जन के समय स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएं। विसर्जन हेतु हाइड्रा मशीन की व्यवस्था हो आदि मांगे रखी। रिपोर्ट राधेश्याम गुप्ता ब्यूरो चीफ। मैं आपका और किस मामले को लेकर के आज ज्ञापन दिया है? अमित सेठ भोलू अध्यक्ष केंद्रीय पूजा महोत्सव। आज केंद्रीय पूजा महोत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों ने आगामी 26 सितंबर से प्रारंभ हो रही नवदुर्गा महोत्सव के संदर्भ में विभिन्न समस्याओं को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की और ज्ञापन दिया। क्या क्या मांगे? इसमें हमारी प्रमुख मांग थी कि हमारे पंडालों में साफ सफाई सुरक्षा व्यवस्था पूरे बांदा शहर में जो गड्ढे हैं रोडों में उनके उसके लिए और हमारा 5 अक्टूबर को विसर्जन है विसर्जन स्थल के मतलब व्यवस्था के लिए संदर्भ में आज ज्ञापन दिया।